तो दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आ गई हूँ। आज हम बना रहे हैं सूजी की एकदम खस्ता मसाले वाली पूरी, और साथ में हम बनाएंगे कद्दू की सब्जी यूपी स्टाइल। और ये कॉम्बो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। आप इसे ब्रेकफास्ट में बना लीजिए, दिन भर एनर्जेटिक रहेंगे, या फिर झटपट आप डिनर में बनाकर खा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनीता गुप्ता रेसिपी सबसे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर को भी ज़रूर शेयर करें। तो सबसे पहले हम कद्दू की सब्ज़ी बनाएंगे, क्योंकि इसे हम बना कर रख लेंगे तो बाद में हम फटाफट गर्मा गर्म पूरियाँ बना सकते हैं। तो कद्दू की सब्ज़ी बनाने के लिए हमें जो कद्दू लेंगे वो पकी हुई होनी चाहिए। इस तरह से थोड़ा सा येलोइश हो जाता है, एकदम अच्छा पका रहता है, तो इसमें नेचुरल मिठास आ जाती है। तो जो यूपी का जो कद्दू की सब्ज़ी होती है ना, खट्टा मीठा चटपटा सा रहता है, तो इसमें ऊपर से मीठा यानी गुड़ या चीनी डालने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। तो अभी क्या करेंगे, इसका जो बीज है ना, हम निकाल लेंगे। आपको पता ही होगा कि जो कद्दू के जो बीज होते हैं, इसमें हाई प्रोटीन होता है और बहुत सारे इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं। तो इसे फेंकिए ना, इसे वाश करके सुखा लें, और इसके बाद मूंगफली जैसा इसे भून कर आप खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अब इसका हम छिलका निकाल लेंगे। छिलका थोड़ा हार्ड होता है तो इस सब्ज़ी में ये अच्छा नहीं लगता है, इसलिए इस छिलके को हमको रिमूव कर लेना होगा। आपको मैं बता दूं कि इसके छिलके में भी काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन होते हैं, तो इसके छिलके को आप फेंकिए ना। इससे आप सूप बना सकते हैं, या फिर वेजिटेबल स्टॉक बना रहे हैं तो उसमें ऐड कर दीजिए। अब इसको छीलने के बाद इसे हम वॉश कर लेंगे, और इसके बाद इसे हमें काटना है। तो जब कद्दू आप काटें तो बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में काटें, इससे कद्दू जल्दी से पक जाता है और बहुत ही अच्छे से मैश हो जाता है। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना है इसके टुकड़ों को, इस तरह से बिल्कुल काट कर रख लीजिए। और चलिए अब इसको हम बनाते हैं। तो पैन में आप एक बड़ा चम्मच तेल डालें और गरम कर लें। अब मैं यहाँ पर एक तड़का बना रही हूँ जो बहुत ही स्पेशल है। यहाँ पर हाफ टी स्पून राई ले लीजिए, हाफ टी स्पून जीरा, और हाफ टी स्पून देखिए मैंने मेथी लिया है, और हाफ टी स्पून लीजिए सौंफ, और हाफ टी स्पून यहाँ पर लेंगे कलौंजी। तो ये पांच मसाले हैं, इसको बोलते हैं पंच फोड़न हमारे यहाँ यूपी में। और इसे कद्दू की सब्ज़ी में, पालक की सब्ज़ी में, आलू की सब्ज़ी में, दाल को भी तड़का दिया जाता है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो इस तड़के को मैंने डाल दिया। अब इसमें मैंने एक सूखी मिर्ची भी डाल दी है, और अब इस तड़के को हम स्प्लटर करने देंगे, थोड़ा ब्राउन हो जाए। इसके बाद इसमें हम कद्दू को डाल देंगे। कद्दू डालने के बाद इसे हमें मीडियम फ्लेम पर थोड़ा फ्राई करना होगा, जिससे काफ़ी अच्छा इसमें टेस्ट आ जाता है, और फ्राई करने से जो इसमें नेचुरल जो शुगर होता है वो इन्हेंस हो जाता है। तो थोड़ी देर फ्राई कर लिया मैंने, करीब एक से डेढ़ मिनट मीडियम से हाई फ्लेम पर। अब इसके बाद इसमें हम नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, और थोड़ा मसाला जैसे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर डाल लीजिए अपने हिसाब से, और थोड़ा सा धनिया पाउडर, और थोड़ा सा यहाँ पर जीरा पाउडर डाल लीजिए। गरम मसाला नहीं ऐड कर रही मैं, और बिल्कुल ही मसाले एकदम थोड़ा थोड़ा ही डालिएगा, ज़्यादा मत डालें। और साथ में ही यहाँ पर मैं मिठास के लिए शक्कर डाल रही हूँ, डेढ़ बड़े चम्मच। शक्कर की जगह आप गुड़ भी डाल सकते हैं। और भूनते ही हमारा जो कद्दू है करीब 25-30% पक गया है। अब इसे हम फिर ढककर और अच्छी तरह से पका लेंगे। आँच को धीमा ही रखें, मैंने इसमें पानी भी नहीं ऐड किया है। नमक जो डाला है हमने, शक्कर डाला है, वो पानी रिलीज करेगा और उसी से ये पक जाएगा। बिल्कुल भी कद्दू में पानी मत ऐड करिएगा। और ये देखिए कद्दू एकदम गल चुका है, आप हल्का सा मैश करेंगे तो बिल्कुल मिल जाएगा। और इसमें खटास के लिए मैंने आमचूर पाउडर डाल दिया है, हाफ टी स्पून, और अब इसे हम मिला देंगे। आमचूर हम सबसे लास्ट में मिलाएंगे, पहले अगर डाल देते हैं तो कद्दू अच्छी तरह से गलेगा नहीं। और बस कुछ सेकेंड और अच्छी तरह से मिला लीजिए कद्दू को, चम्मच से थोड़ा सा हल्का सा मैश कर लीजिए, एकदम अच्छी तरह से ये मैश हो जाएगा। तो ये कद्दू की सब्ज़ी हमारी तैयार हो गई है। आप लास्ट में एक बार इसको टेस्ट कर लें, खट्टा मीठा या नमक में जो भी कमी होगी तो आप ऊपर से मिलाकर, फिर से गर्म ही रहेगा तो मिला लेंगे, तो सब चीज़ें अच्छी तरह से मिल जाती हैं। लीजिए मज़ेदार कद्दू की सब्ज़ी हमारी तैयार हो गई। अब इस कद्दू की सब्ज़ी को आप पूरी के साथ सर्व कर लीजिए, जैसे मसाला पूरी हो गई, आलू की, चावल की, या सूजी की पूरी जो मैं अभी बनाने जा रही हूँ। इस रेसिपी को भी आप देख लीजिए, बहुत अच्छी रेसिपी है।
तो पूरी बनाने के लिए यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के आलू चाहिए उबले हुए, और अब इसे हमें कद्दूकस करना होगा। कद्दूकस करने के लिए आपको सबसे बारीक वाला कद्दूकस लेना होगा, और इससे जो आलू होता है एकदम फाइन हो जाता है, गुठलियाँ वगैरह नहीं रहती हैं। फिर इसमें हम डालेंगे सूजी, ये 1 कप सूजी है, जो बिल्कुल बारीक वाली सूजी है उसे मैंने लिया है। आपके पास नॉर्मल सूजी है तो आप उसे मिक्सर में एक बार चला लें या बारीक वाली छन्नी से छान कर ले लें। इसी कप से मैं 1/2 कप गेहूं का आटा लूँगी जो बाइंडिंग का काम करेगा। अब इसमें थोड़ा हल्दी पाउडर हल्का सा डालना, मिर्ची पाउडर थोड़ा सा स्पाइसनेस के लिए, और नमक स्वाद के अनुसार, अजवाइन 1/2 टीस्पून डाल लीजिए। और अब इसमें हम डालेंगे तेल 1 बड़ा चम्मच, और धनिया पत्ती डाल लीजिए। धनिया पत्ती में आपको सिर्फ पत्तियाँ ही डालनी हैं, डंठल ना रहे। और इसके बाद हम इसे मिक्स करेंगे। इसमें जो आलू है उसमें मॉइस्चर होता है, तो उसी में हम इसको मिलाने की कोशिश करेंगे। फिर जब हमको जितनी आवश्यकता होगी उसके बाद पानी मिलाकर इसका एकदम सख्त सा डो बनाएंगे, एकदम टाइट डो बनाना है, जैसे पूरी का डो रहता है। तो बिल्कुल थोड़ा ही पानी जाएगा, देखिए 1 से 1.5 चम्मच पानी लीजिए हल्का, और मिला लीजिए, और एकदम टाइट सा आटा तैयार कर लेना है आपको। वैसे सूजी है तो बाद में थोड़ी फूलती है, तो और ये टाइट हो जाता है। ये देखिए इस तरह से हमने मिलाया, और जो सूजी हम मिलाते हैं अगर पूरी वगैरह में, तो ये पूरी को काफ़ी ज़्यादा खस्ता कर देती है, लेकिन ये जो पूरी है इसमें सूजी की मात्रा अधिक है, तो पूरी काफ़ी खस्ता बनती है। साथ में आलू डालने से अंदर से ये सॉफ्ट रहती है। और आटा तैयार होने के बाद आप इसे गीले कपड़े से ढककर कम से कम 10 मिनट के लिए रख दें, जिससे जो सूजी है अच्छी तरह से फूल जाएगी, तो उसकी पूरी काफ़ी अच्छी बनेगी। 10 मिनट के बाद देखिए हमारा जो आटा है वो अच्छी तरह से सेट हो गया है। सूजी फूलने के बाद काफ़ी ज़्यादा स्टिकी हो जाती है। ये देखिए कितना बढ़िया से ये तैयार हो गया है। और अब क्या करना है कि इसे गुथने के बाद हम इसकी लोइयां बना लेंगे। जो नॉर्मल हम पूरी बनाते हैं ना सिर्फ गेहूं के आटे की, तो हम एकदम पतली पतली बना सकते हैं, लेकिन इस पूरी को एकदम पतला नहीं बेलना है, क्योंकि इसमें हमने थोड़े मसाले मिलाए हैं, अजवाइन वगैरह, तो थोड़े से हल्के से मोटे ही रखने हैं। तो हल्का सा तेल लगा कर इसे आप बेल लीजिए। इस पूरी की खास बात है कि ये तेल भी बहुत कम पीती है, काफ़ी करारी बनती है। आप चाहें तो इस पूरी के साथ कोई सब्जी के साथ ना खाकर नॉर्मल किसी अचार के साथ, सॉस के साथ, किसी चटनी के साथ खा सकते हैं, काफ़ी अच्छी लगेगी। दही का रायता है, मीठी दही है, उसके साथ इसे सर्व कर लीजिए। और आप ऐसे ही 4-5 पूरियाँ बना कर रख लीजिए, इसके बाद आप इसे फ्राई करिए। जब आप इसे फ्राई करें तो तेल को एकदम हाई फ्लेम पर रखें। जब तेल एकदम अच्छी तरह से गर्म होता है तो पूरियाँ फटाफट फूल जाती हैं, चाहे कोई भी पूरी आप बनाइए। ये देखिए किस तरह से एकदम फूली फूली पूरियाँ बन रही हैं हमारी, बिल्कुल भी ये तेल में बिखरेगा नहीं, टूटेगा नहीं। और बच्चों के आप इसे टिफ़िन बॉक्स में दे सकते हैं, सुबह के नाश्ते में बना लीजिए, और देखिए ऊपर से कितनी खस्ता बनी है। गर्मा गर्म पूरियाँ सभी को काफ़ी पसंद आएगी। आप चाहें तो इसके साथ आलू की सब्ज़ी भी बना सकते हैं, बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट रहेगा इसका। ये देखिए मेरी ये जो रेसिपी है कद्दू की सब्ज़ी और सूजी की खस्ता पूरी एकदम तैयार है। सच बताऊँ बहुत मज़ेदार ये रेसिपी है, आपको ज़रूर से ट्राई करना चाहिए। और यकीन मानिए आप ना एक बार इसे बना लेंगे तो हफ्ते में एक बार तो ज़रूर बनाएंगे ही, संडे को स्पेशल रेसिपी के तौर पर। तो मैंने साथ में आलू की बिना लहसुन प्याज वाली सब्जी बना के रखी थी, तो उसे ले लिया है। एक कद्दू की सब्ज़ी, क्या गजब का कॉम्बिनेशन है, ज़रूर से ट्राई करिएगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मेरी रेसिपी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक भी कर दें, और अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर को ज़रूर शेयर करें। तो चलिए फिर से मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक थैंक यू, बाय बाय।